मंत्री के काफले पर रांची में हुए हमले को लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश की जा रही है और भीड़ द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। आगे उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का कोई जगह नहीं और जब जब बीजेपी डरती है गुंडागर्दी करती है। तो रांची में सीएम के काफले पर हमले को लेकर जेएमएम ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया सामने रखी है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। ये बड़ा सुनियोजित ढंग से साजिश करके, क्योंकि सीएम का जब भी कारपेट गुजरता है उसके पहले रोड ओपनिंग जो व्हीकल होता है, उसके बाद में जो कारपेट होता है उस पर यदि आप नियोजित ढंग से यदि हमला करते हैं, ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कानून को एक चुनौती दी गई। वहीं बीजेपी ने इस मामले में अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों से इनकार किया है। बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी विरोध का समर्थन करती है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसके साथ ही काफिले पर हमले की उन्होंने कड़ी निंदा की। भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप तो बेकार है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के हिंसा में विश्वास नहीं करती है। देखिए, सीएम के ऊपर जो भी चीजें हुई, रोकने का प्रयास हुआ या जो भी चीजें हुई हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता और न भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है। देखिए, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन ये शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करती है। वहीं और मांझी मामले पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मामले को लेकर सरकार बेहद गंभीर है, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई जाएगी। भी लेने जा रही मामले सरकार हेमंत जी भी निर्णय लेने जा रही है। इस तरह का जो गंभीर मामला आ रहा है, त्वरित कार्रवाई करके चिन्हित करके दोषी को सजा मिले उसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके उसे लोगों को सजा देने की व्यवस्था करें ताकि लोगों को दहशत पैदा हो। और इस वक्त बड़ी खबर और मांझी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और मांझी मामले पर रांची पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर और अपडेशन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रांची पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। और मांझी मामले में जानकारी देने वाले को 25,000 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। रांची पुलिस की तरफ से अब इस इनाम की घोषणा की गई है। 25,000 की रकम तय की गई है जो जानकारी देने वाले शख्स को दिए जाएंगे। साथ ही पुलिस ने यह भरोसा भी दिलाया है कि सूचना देने वाले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, यानी कि उसका नाम और पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने उसका हुलिया भी जारी कर दिया है। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं राजधानी रांची से। ओम प्रकाश, एक बड़ी घटना कही जाएगी जिसमें इस तरीके से नृशंस हत्या कर दी जाती है, इसके पीछे कौन से लोग ये भी अभी सामने नहीं है। जिसकी हत्या की गई वो कौन, इसकी पहचान भी अभी तक सार्वजनिक नहीं। ऐसे में क्या कार्रवाई अब तक की गई है और कितनी कामयाबी लगी है हाथ? जी विभा, जिस तरह से पूरी घटना हुई है उस वारदात ने रांची ही नहीं पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। रांची पुलिस के सामने कल जब लोगों का आक्रोश फूटा तो रांची पुलिस ने आनंद फानन में एक दिन में ही इनाम की घोषणा कर दी। ये अपने आप में एक नायाब चीज है क्योंकि रांची पुलिस ने इससे पहले कभी भी एक दिन में इनाम की घोषणा नहीं की थी। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि मामले में फिलहाल पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ भी हाथ नहीं आया है। जिसमें कहा जाए तो पुलिस को अब तक युवती का जो सिर है वो भी वहां से गायब था, वो अब तक नहीं मिल पाया है। पुलिस फिलहाल जो डीएनए का टेस्ट है वो कर रही है। फॉरेंसिक टीम की भी पहुंची थी मौके पर, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहले दिन ही पहुंच गई थी। और मामले जब हमने इस खबर को, जिस दिन ये खबर प्रकाश में आई थी सबसे पहले हमने दिखाया था, और इस खबर को दिखाने के साथ जब हमने पुलिस अधिकारियों से जानने की कोशिश की तो कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का भी खुलासा हुआ है क्या कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, इस बात की पुष्टि हो पाई है क्या? जी
युवती के साथ दुष्कर्म की आशंका जो जाहिर की गई थी वो करीब करीब पुख्ता है, जो कि अब तक जो सामने आए हैं तथ्य। और फिलहाल पुलिस अधिकारी जो मामले को लेकर, युवती की पहचान को ही लेकर अब तक नहीं कंफर्म हो पाए हैं, लेकिन साफ तौर से कहा जा रहा है कि हत्या की वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया और वहाँ पर बॉडी को फेंका गया, क्योंकि घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य मौजूद थे उससे यही बातें प्रकाश में आई हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो पुलिस अब तक उस मामले में कुछ भी अपनी जो आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दे रही है। उनका शायद यही वजह है कि लोगों की नाराजगी जो है वो सड़कों पर कल फूट पड़ी, लेकिन विरोध का ये तरीका क्यों, मुख्यमंत्री के कारकेड को रोकना, उस पर पथराव करना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। नाराजगी खुलकर कीजिए, अपने विरोध को जाहिर कीजिए, लेकिन इस तरीके से क्यों? जी, विरोध का ये जो तरीका था वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि विरोध जो होता है लोकतंत्र में, विरोध का जो भी प्रक्रिया हो, लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को सरकार से अवगत करा सकते हैं, लेकिन उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। और जाहिर तौर पर इसी हिंसा का विरोध हर तरफ हो रहा है, चाहे अगर राजनीतिक गलियारे की बात की जाए या फिर आम लोगों की ही बात की जाए, तो वो हिंसा के रास्ते को अख्तियार करने से गुरेज करने की बातें कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर कल जिस तरह से जो घटना हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की या फिर सीएम के काफिले को रोकने का प्रयास किया। तो तमाम तरह की बिंदुओं पर पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन जो भी लोग थे वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो वो सौहार्द व्यवस्था को बहाल रखने वाले लोग नहीं थे, और उसी वजह से ये पूरी घटना हुई। सरकार की तो किरकिरी हुई, वहीं जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस हो, उसकी भी किरकिरी हुई, क्योंकि इस रास्ते पर जिस तरह से वीआईपी रूट है, अगर उस रास्ते पर सुरक्षा के मद्देनजर भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।